सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल चाशनी वाले सूजी के लड्डू। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट तरीका भी है, तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ऐसे सूजी के लड्डू। वेलकम टू माय चैनल सुचिता कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो टेस्टी सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने सूजी ली है और ये यहाँ पे एक बाउल लिया है मैंने, उसी बाउल से मैं सारा मेजरमेंट करने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे बारीक वाली सूजी यूज़ करनी है। हमेशा लड्डू बनाते समय बारीक वाली सूजी ही यूज़ करनी है। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर ले और उसी हिसाब से सारा मेजरमेंट लेना है। मैं यहाँ पे कप का वगैरह मेजरमेंट नहीं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें सूजी को भून लेना है। थोड़ा सा सूजी को हमें ड्राई ही भूनना है पहले, उसके बाद हम इसमें घी ऐड करने वाले हैं। तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है और सूजी को हम ड्राई ही भून लेते हैं पहले। तो ये देखिए, सूजी हमारी थोड़ी सी ड्राई भून चुकी है, यानी कि गर्म हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें घी ऐड करने वाले हैं। तो घी जो है वो मैंने उसी बाउल से आधे कटोरी से थोड़ा सा ऊपर घी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करने वाले हैं। पूरा एकदम से ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूजी का जो टेक्सचर होता है उस हिसाब से कम ज़्यादा हमें घी लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके हम सूजी को भूनने वाले हैं। ये देखिए, मैंने पहले 2-3 चम्मच घी ऐड किया था, अब फिर से मैं इसमें घी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ी सी ड्राई लग रही है। अब फिर से मैंने 2-3 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। लड्डू बनाते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि सूजी भूनते समय हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर हमारी सूजी कच्ची रह गई तो लड्डू का जैसा चाहिए वैसा स्वाद हमें नहीं आता है, और ज़्यादा भी ओवर नहीं भूनना है, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, गैस की फ्लेम भी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। अब आप देख सकते हैं सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, थोड़ा सा पिंकिश कलर आ गया है। सूजी को अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें एक ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। जस्ट हमें कोकोनट को मिला लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और गैस को बंद कर देना है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उसी बाउल से एक बाउल पानी लिया है और 1.5 बाउल मैंने चीनी ली है। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसमें इलायची भी ज़रूर ऐड करें, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इलायची नहीं यूज़ की है। इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। अब हम चाशनी को उबलने देते हैं। ये देखिए, चाशनी को हमें चेक करते रहना है, नहीं तो चाशनी हार्ड हो जाती है। ये देखिए, लास्ट ड्रॉप जब इस तरीके से गिर जाए, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, तुरंत ही गैस को बंद कर देना है, नहीं तो हार्ड हो जाती है चाशनी। ये देखिए, तार हमारा परफेक्टली बन गया है। अब हमें इस चाशनी को सूजी में ऐड कर देना है। चाशनी हमारी हार्ड नहीं होनी चाहिए, मैं आगे आपको बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन, अगर हार्ड हो गई तो क्या करना है। और सूजी भी हमारी अच्छे से भून चुकी है, परफेक्टली इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सूजी भून गई है। और मुझे ये देखिए इतना घी लगा है, यानी कि सिर्फ मुझे आधा कटोरी ही इसके लिए घी लगा है, बाकी का घी इतना बचा है। मैंने 1/4 कटोरी घी लिया था, यानी कि हमें परफेक्टली आधी कटोरी ही इसके लिए घी लगा है। चाशनी को तुरंत ही इसमें ऐड कर रहे हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें चाशनी को ऐड कर देती हूँ। एक गर्म चाशनी है, ठंडी चाशनी नहीं डालनी है। जैसे ही हमने गैस बंद कर दिया, तुरंत ही इसमें चाशनी को मैंने ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसे मिला लेना है। आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना बढ़िया आ गया है, देखिए बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दिखता है। आपको लग रहा होगा कि ये इतना पतला कैसे हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। अब देख सकते हैं 7 मिनट हो चुके हैं और चाशनी
और सूजी अच्छे से कंबाइन हो चुकी है, यानी कि सूजी ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है चाशनी को। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ, अगर आपकी बाय चांस चाशनी हार्ड हो गई तो उसके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बैठते, तब उस समय क्या करना है हमें, इसमें 2 से 3 चम्मच, जो पोहा खाने के छोटे चम्मच होते हैं ना, उससे 2 से 3 चम्मच पानी या दूध इसमें मिला दे और अच्छे से इसे मिक्स कर दे, तो आपके इजीली परफेक्ट तरीके से लड्डू बैठ जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने पिस्ता ही लिए हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे हाथों से मिक्स कर देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसे पहले चम्मच से मिक्स कर देती हूँ, तब तक ये गुनगुना हो जाएगा। ये देखिए सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और लेकिन ये थोड़ा सा गुनगुना गर्म है तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं, ठंडा होने का वेट नहीं करना है। अब ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट तरीके से लड्डू इसके बैठ जाते हैं। अब इसके गोल गोल लड्डू हम बना लेते हैं। ये देखिए है ना बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल भी पिलपिले नहीं बनते हैं या बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं, परफेक्ट हमने इसमें घी चाशनी का यूज किया है तो एकदम परफेक्ट ये लड्डू बनते हैं। एक बार बनाने के बाद आप इसे 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सभी लड्डू मैं बना लेती हूँ। एकदम दानेदार टेक्सचर आता है, ऐसे थोड़े से क्रंची टाइप के लड्डू बनते हैं। अब ये लास्ट बचा हुआ है उसे भी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए कितना दानेदार और एकदम ऐसा जूस से भरा हुआ लड्डू दिख रहा है। तो आप भी इस दिवाली पर ऐसे लड्डू बनाइए और अपनों को खुश कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।